नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। आज है आप सभी के फेवरेट सुपरस्टार सलमान खान का जन्मदिन। लेकिन सलमान खान के जन्मदिन पर आज हम आपको बताने वाले हैं इनफैक्ट उनके इश्क बाजियों के बारे में। जी हाँ, इनके इश्क के चर्चों के बारे में हर कोई जानता है। पूरे बॉलीवुड में उनके प्यार और मोहब्बत को लेकर शुरू से ही चर्चा रही है। तो आज इस वीडियो में हम उनके सारे इश्क के उन्हीं पन्नों को दोबारा से खोलेंगे। सलमान खान बॉलीवुड के वो अद्भुत कलाकार हैं जिनके नाम कई हसीनाओं से जोड़े गए, लेकिन वे कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। वैसे शादी के बंधन में ना बंधने की भी सलमान की अपनी एक वजह थी जो उन्हें शादी करने से रोकी हुई थी। दरअसल सलमान जब काला हिरण मामले में फंसे तो उनको ये लगा कि उनको सजा मिलेगी और इस सजा से उनकी शादी के बाद शुरू होने वाली नई जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी डर के चलते सलमान शादी के बंधन में बंधने से नकारते रहे। अब हम आपको बताते हैं सलमान की वो अफेयर्स जो सलमान को उतना प्यार न दे पाए जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली संगीता बिजलानी सलमान की पहली गर्लफ्रेंड थी जिनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। फिलहाल अब सलमान और संगीता एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। संगीता के बाद सलमान का नाम 19 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली से जोड़ा गया। 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन सब के बाद सलमान की लाइफ में आई पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जिन्होंने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को मदहोश कर रखा था। 4 साल तक चलने वाले इस रिलेशनशिप ने भी दम तोड़ दिया जब सलमान ने अपने व्यवहार से ऐश्वर्या के घर के बाहर हंगामा किया। आपको बता दें कि सोमी और ऐश्वर्या दोनों ने सलमान से रिश्ते तोड़ने की वजह उनके शराब पीने की बुरी आदत को बताया। ऐश्वर्या के बाद फैंस को स्नेहा उल्लाल ने आकर्षित किया जिन्हें खुद सलमान ने अपनी फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। हूबहू ऐश के जैसे दिखने वाली स्नेहा को देखकर फैंस को लगने लगा कि सलमान अभी भी ऐश्वर्या से प्यार करते हैं। लेकिन दोनों के बीच ऐसी किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई और जल्द ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद सलमान की लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उनकी लाइफ में कटरीना कैफ की एंट्री हुई जिसके बारे में हम सबको पता ही है। लेकिन कटरीना ने भी बाकी हसीनाओं की तरह सलमान का साथ छोड़ रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आने का फैसला किया। फिलहाल कटरीना सिंगल है और सलमान अभी भी पहले की तरह कैट की मदद करते हुए नजर आते हैं। नेहा उल्लाल की तरह ही जरीन खान ने भी सलमान के फैंस को चौंका दिया था। हूबहू कटरीना की तरह दिखने वाली जरीन ने फैंस के बीच सलमान और जरीन के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े किए, लेकिन दोनों के मेल मिलाप की ज्यादा खबर नहीं आई और दोनों एक दूसरे के खास दोस्त हैं। इसके बाद बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट क्लाउडिया के साथ भी सलमान का नाम जोड़ा गया जो जरीन की तरह ही कटरीना से हूबहू मिलती थी, लेकिन दोनों ही एक्ट्रेस का सलमान के साथ केवल दोस्ती का ही रिश्ता था और अभी तक जरीन और क्लाउडिया सलमान के अच्छे दोस्त हैं। इतने सारे रिश्ते टूटने के बाद भी सलमान और उनके फैंस के अंदर एक आशा है कि सलमान को उनकी जीवन साथी जरूर मिलेगी और इस आशा को अब लूलिया वंतूर से तवज्जो मिलती है कि जल्द ही फैंस की आशा पूरी होगी। आपको बता दें कि अब सलमान की लाइफ में लूलिया वंतूर है जो रोमानियन एक्टर और एंकर है। लूलिया से जुड़े सलमान के रिश्तों को ऐसा माना जा रहा है कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं और सलमान के फैंस के सपनों और उम्मीदों को सच कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें कि 10 कदम शो के तहत सलमान ने अपने स्कूल डेज का एक खुलासा किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके स्कूल डेज में उन्हें अपनी टीचर पर क्रश था और वो उन पर लाइन भी मारा करते थे। सलमान के इस खुलासे से उनके फैंस सरप्राइज रह गए थे। बॉलीवुड के भाई और सुपरस्टार सलमान खान को आज उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर काफी मजा आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ हम दोबारा लौटेंगे स्टोरी हाउ पर।